खबर राजसमंद से। राजसमंद जिले में निकलने वाले मार्बल ब्लॉक पर लफर अंडर लोड लदान कर ट्रेलर के माध्यम से किशनगढ़ जाता है। अजमेर किशनगढ़ ब्यावर क्षेत्र के परिवहन अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 महीने पहले से ही सालाना टैक्स 30,500 के अलावा प्रत्येक वाहन से 5,000 से 10,000 रुपया अलग अलग स्थानों ब्यावर अजमेर किशनगढ़ परिवहन निरीक्षकों द्वारा डरा धमका कर अनिवार्य रूप से चालान बनाने के लिए बाध्य कर वाहनों को रुकवा कर प्रतिवर्ष वसूली करते हैं। अनाधिकृत ढंग से वसूली करने के तरीके को तुरंत बंद करने के लिए निर्देशित कर वाहन संचालकों को इस अवैध व्यवस्था से राहत प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। डीजल की दरों के कारण हमारा व्यवसाय पहले से घाटे में मार्बल निकलता है, वो अधिकतर मार्बल किशनगढ़ जाता है। आज से 10 वर्षों पहले की बात करें तो तकनीकी समस्याओं के कारण मार्बल का ब्लॉक छोटा बड़ा नहीं हो सकता था, तो कुछ गाड़ियां ओवरलोड होती थी तो उनके चालान बनाए जाते थे। अब वो उसके बाद इस 10 वर्षों में तकनीकी व्यवस्थाओं से और सरकार की बदलती व्यवस्थाओं से सभी गाड़ियां अंडरलोड और नियमानुसार परिवहन कर रही है। उसके बाद भी परिवहन विभाग हर साल जैसे ही मार्च महीना आता है उसके 2-3 महीने पहले से अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए अवैध रूप से चालान बनाए जाते हैं। ब्यावर अजमेर और किशनगढ़ के RTO अलग अलग प्रकार से, कोई जनवरी में बनाता, कोई फरवरी में बनाता, कोई ब्यावर बनाता, एक चालान बना दिया उसके बाद भी उनको कहते हैं कि एक बन गया तो अब आप मत बनाओ, तो भी वो दूसरा तीसरा सब अपना अपना बनाते हैं और मार्च के अंदर फिर हमारे को टैक्स जमा कराना है। इस कोरोना महामारी और बढ़ती हुई डीजल की दरों के कारण हमारा व्यवसाय पहले से घाटे में संचालन हो रहा है और इस व्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार को यदि अपने राजस्व लक्ष्य को बढ़ाना है तो विधानसभा में नीति बनाकर नियमानुसार वसूली करे। इस प्रकार से अवैध वसूली से कई बार वाहन दौड़ाते हैं, ड्राइवर बचाने की कोशिश करते हैं, उससे कई बार वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, कई बार जनहानि भी हो सकती है। मैं सरकार से और आग्रह करूँगा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर इस अवैध वसूली को बंद करवाई जाए। राजसमंद से जो मार्बल निकलता है वो अधिकतर मार्बल किशनगढ़ जाता है। आज से 10 वर्षों पहले की बात करें तो तकनीकी समस्याओं के कारण मार्बल का ब्लॉक छोटा बड़ा नहीं हो सकता था, तो कुछ गाड़ियां ओवरलोड होती थी तो उनके चालान बनाए जाते थे। अब वो उसके बाद इस 10 वर्षों में तकनीकी व्यवस्थाओं से और सरकार की बदलती व्यवस्थाओं से सभी गाड़ियां अंडरलोड और नियमानुसार परिवहन कर रही है। उसके बाद भी परिवहन विभाग हर साल जैसे ही मार्च महीना आता है उसके 2-3 महीने पहले से अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए अवैध रूप से चालान बनाए जाते हैं। ब्यावर अजमेर और किशनगढ़ के RTO अलग अलग प्रकार से, कोई जनवरी में बनाता, कोई फरवरी में बनाता, कोई ब्यावर बनाता, एक चालान बना दिया उसके बाद भी उनको कहते हैं कि एक बन गया तो अब आप मत बनाओ, तो भी वो दूसरा तीसरा सब अपना अपना बनाते हैं और मार्च के अंदर फिर हमारे को टैक्स जमा कराना है। इस कोरोना महामारी और बढ़ती हुई डीजल की दरों के कारण हमारा व्यवसाय पहले से घाटे में संचालन हो रहा है और इस व्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार को यदि अपने राजस्व लक्ष्य को बढ़ाना है तो विधानसभा में नीति बनाकर नियमानुसार वसूली करे। इस प्रकार से अवैध वसूली से कई बार वाहन दौड़ाते हैं, ड्राइवर बचाने की कोशिश करते हैं, उससे कई बार वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, कई बार जनहानि भी हो सकती है। मैं सरकार से और आग्रह करूँगा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर इस अवैध